अजमेर के गंज थाना क्षेत्र के बोराज गांव निवासी पप्पू सिंह रावत उर्फ कंची की चामुंडा माता के रास्ते में शनिवार रात को मोटरसाइकिल के लोडिंग टेम्पो वाहन से टकराने से मौत हो गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने मृतक को अजमेर के जैलन अस्पताल पहुंचाया। गंज थाना पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जैलन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जैसे ही इसकी सूचना मृतक के परिजनों व गांव बोराज में हुई, कोहराम मच गया। श्री हरी सिंह पुत्र श्री रतन सिंह जाति रावत उम्र 45 साल निवासी बोराज से थाना उतर एक गहरी रिपोर्ट इस आशय की केस की कि मेरा भाई पप्पू सिंह जो रात को बोराज गांव में ही मोटरसाइकिल से आ रहा था और राम सिंह चौराहे के पास में सामने से आते हुए टेम्पो में टक्कर मार दी जिससे गिरने से सिर में चोट लगने से उसे इलाज तो देने लाया गया था जिसके दौरान इलाज और श्री हरी सिंह जी की तहरी रिपोर्ट पर थाना गंज पर मुकदमा नंबर 71 रूपी 23-13-304 IPC में पंजीबद्ध हुआ है जिसकी जाँच सर आज मेडिकल करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है कि पोस्टमार्टम के लिए 3000 रुपये आए हुए हैं और प्रोसेस। सर पप्पू सिंह क्या करता था? पप्पू सिंह जी ये रेलवे में कर्मचारी थे। सर कहीं मंदिर से आ रहा था ये दर्शन करने? यही सुनने में आया है, मतलब कहीं से आ रहे थे मोटरसाइकिल सामने से आने वाले टेम्पो के पास। सर टेम्पो को रह सकते मुझे? टेम्पो याद है, नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, आपका परिचय? श्यामलाल ASI गंज।